नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। आज हम बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे सामने डिस्कवर चार गियर वाली बाइक का, यानी डिस्कवर 100M का है, और उसका गियर फिटिंग की जानकारी देंगे कि चाहे आपकी, चाहे डिस्कवर चार गियर हो, चाहे आपकी एक सीडी बाइक हो या डिस्कवर 100M हो, आप कभी भी आप परेशान ना हो और बिल्कुल आसानी से, सिंपल से, यानी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसमें देखिए सब कुछ वैसे ही होता है मेरे दोस्त, लेकिन ज़रा सा जो भूलने वाली बात होती है वो हम आपको बताते हैं कि जिससे आप कभी बाइक बनाते समय भूले नहीं, ठीक है। सिर्फ क्या होता है कि जैसे अदर बाइक होती है, जैसे पल्सर होती है, डिस्कवर होती है, तो उसमें जो सिस्टम हो वो ऐसे ही सिस्टम होता है, ठीक है। कि ये गियर जो है, ये वाला गियर मेरे दोस्त इस तरीके से लगा दिया गया, और ये वाला गियर इस तरीके से लगा दिया गया, ये बुश लगा करके और वासा लगा दिया गया। इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं होती, ठीक है। हाँ, और ये जो भूलने वाली बात होती है मेरे दोस्त, यानी यहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गियर है ये ऐसे नहीं लगाना, देखिए इस तरीके से नहीं लगाना है, बस समझिए। अक्सर लोग ऐसे लगाते हैं, जैसे हम बता रहे हैं आपको, अक्सर ऐसे लगाते हैं, लेकिन लगाना कैसे है इसको आपको इस तरीके से ऐसे समझे मेरे को। जब आप अक्सर ऐसे लगाएंगे तब आपको ठीक रहेगा, नहीं तो इसमें कभी कभी क्या होता है, अक्सर जब भी मैकेनिक भाई हमने देखा और कई लोगों से बात किया और कई लोगों से जो वर्कर हमारे पास काम करते हैं उन सबसे भी काम किया, काम करते समय देखा, तो वो यहीं पर भूल जाते हैं बस, ठीक है। बाकी देखिए क्या होता है, ये दो पिन होती हैं, दोनों पिन का घेरा बना हुआ है, जो घेरा है वो ऊपर साइड को ज़्यादा वाला रहेगा, यानी दोनों साइड ऐसा बना हुआ है, लेकिन आपको क्या है, घेरा वाला जिधर ज़्यादा घेरा है वो ऊपर को रखेगा, अगर ऐसा है तो उल्टा रहेगा, ऐसा है तो सीधा है, तो दोनों घेरा सिस्टम ऊपर को रहेगा। इस तरीके से हम फिटिंग करके तब आपको और दिखाते हैं। मेरा दोस्त देखिए, यहाँ पर एक वासर ज़रूर होती है, एक सीडी हो और चाहे वो, यानी एक सीडी हो, जो भी चार गियर वाली हूँ उन सब में होता है, और अदर वाले में नहीं होता है, जो पांच गियर वाली में होता है उसमें नहीं होता, लेकिन इसमें एक वासर ज़रूर होता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पर वासर होता है, ठीक है, पतला सा वासर होता है मेरे दोस्त, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, ऐसा वासर है, बस यह है, उससे थोड़ा कम है, जितनी पतली हो रही है उससे कम, इस तरीके से वासर ज़रूर यहाँ पर होना चाहिए, इसको बात ध्यान रखें, और उसके साथ इसको देखें, इस तरीके सेट किया और ऐसे यहाँ नीचे वासर लगा दिया, देखिए एक वासर यहाँ पर लगा दिया, एक वासर यहाँ, एक वासर यहाँ, तीन वासर यहाँ पर, ठीक, इसको इस तरह देखें फिट हो गया, ठीक है। और ये जो ज़्यादा वाला घेरा है ऊपर करके इधर ऐसे सेट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर देखें ये भी ज़्यादा वाला घेरा इधर को सेट करना है ऐसे यहाँ पर, ठीक। और ये पिन में भी निशान पड़ा है, देखें ये हल्के हल्के निशान पड़े हैं, इसको ऊपर रखना है, तो देखिए मेरे दोस्त इसमें दो निशान होते हैं, वो निशान ऊपर को रखना है और इस साइड भी इसी तरीके से करना है, ठीक। देखिए अब क्या होता है, गियर जैसे लगाना है, एक एक गियर लगा के चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर नहीं चल रहा, ठीक, इस तरह एक गियर लगा, फिर इस तरीके से दूसरा लग गया, ठीक, तीसरा लग गया, ठीक, यहाँ पर, और ये चौथा, ठीक, चार गियर लग गया। अब आप गियर की बात हमको जो समझाना था उसमें समझ गए, क्योंकि जहाँ पर मैकेनिक भाई लोग मिस्टेक करते हैं उस मिस्टेक को हमने सही कर दिया, ठीक। यहाँ पर देखिए बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है। अब यहाँ पर हम पेस्ट लगा के तब आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए मेरे दोस्त इसमें क्या है, इसमें सब में डिस्कवर में कॉलर होती है, इसमें कॉलर नहीं होती है, और इसमें एक स्प्रिंग लगा दिया गया यहाँ पर, और पेस्ट लगा दिया गया है इधर भी, हल्का हल्का इंजन पेस्ट लगा दिया, इसमें पाइकिंग नहीं लगती, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए हमने इसको, यानी यहाँ पर सेट करके, और ये ऐसे देखें मेरे दोस्त, और देखिए इस तरीके से जाली भी लगी है, और ये बिल्कुल आसानी से
देखिए मेरे दोस्त, एक बोल्ट हम टाइट करके आपको गियर चेक करा देंगे। देखें मेरे दोस्त, अभी देखें बिल्कुल फ्री है, ठीक है, हाँ, और गियर लगा दिया, देखिए एक गियर, ठीक है, एक गियर लगा हुआ, ठीक, चलाओ भैया, देखिए एक गियर लग गया, ठीक, दूसरा गियर लग गया, तीसरा लग गया, ठीक, ये चौथा लग गया, ठीक, घुमाइए, देखिए मेरे दोस्त, ये चौथा गियर लग गया, ठीक है, ये इस तरीके से, यानी न्यूट्रल चलाइए, ठीक है, चलाइए, ठीक है, चल रहा, ठीक है, चल रहा है, लेकिन पकड़ लेंगे बस न्यूट्रल। तो मेरे दोस्त, जो गियर की समस्या थी, हमने मेन बात आपको बताना चाहा। वीडियो पसंद आए मेरे दोस्त, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।